के नान लगाया करते थे मेरे वाला साहब, और मेरी वालदा भी साथ काम करती थी, हम पूरी फैमिली मिलके कारोबार करते थे। वो वाला बाप ने इतना किया कि भूख नहीं देखी, ठीक है, बाप ने मतलब रजाया, क्या मतलब अगर किसी क्लास में पास भी हुए ना तो लड्डू बांटे, मिठाई बांटी है बाप ने। लाइटर नोट एक और बात भी है कि जो नान का कारोबार करते हैं उनके यहाँ भूख कहाँ से आएगी, भूख कहाँ से अब अगर चने रहेगा ना बंदा बारह लड़ना था। ये चीज जो थी ना मुझे अपने घर से मिली है। वाह वाह। और फिर दूसरी चीज जो थी, मेरे वाला साहब जो थे जो कमाते थे वो मेरी वालदा के हाथ में होता था। ये आदत भी मेरे अंदर डेवलप हुई। जी जी। मैं भी अपनी बीवी से ही खर्चा लेके निकलता हूँ घर। चांदी बेगम को वो ही सारा कुछ करती है, बल्कि वो किसी वक्त ज्यादा हिसाब ले लेती मुझसे। वो देखे ना चांद है ना, कभी निकले कभी ना निकले, निकले, ना, निकले, निकले मर्जी है। हाँ जी, कितनी चांदनी आप पे बिखेरना चाहती है। वो टोटल डोमिनेट कर गई। वाह। तो अपना वो काशम में, मैं यहाँ से बात एक तोड़ के आपको एक हल्की बात सुनाता हूँ। काशम महमूद हमारे दोस्त, उनकी एक सीरियल थी आंगन भर चांदनी। तो मैंने उसको कहा ना जब सीरियल कंप्लीट हो गया। अच्छा, पहले जो लोग नहीं जानते चंद लोग उनको बताते चले कि चांदनी आपकी बेगम साहब, मेरी बीवी है जी। तो काशिफ को मैंने कहा यार पैसे तो दो सीरियल के। तो काशिफ मजाक में मुझे कहता यार तनु आंगन भर चांदनी जैसी चांस नहीं देता। मैं कहा यार तेरी आंगन भर चांदनी में पूरी चांदनी घर च बिठाई। तो वही से करते सिलसिला शुरू कि जब मैं थिएटर में आया ना, मैंने कुछ सीनियर ऐसे देखे। अच्छा, आप आज एक वादा करके जाएंगे। हाँ जी। अगली मर्तबा आप हमारी भाभी के साथ तशरीफ लाए। जी, हाँ, आज तक शायद अभी तक नहीं गया। ये वादा है, ये वादा है, पहला शो हमारे साथ। जी बिल्कुल, ऐसा तो ये वाला इंटरव्यू देख के तो वो इंशाल्लाह वो खुद कहेगी कि मुझे जाना, क्योंकि उसका यही एतराज होता कि मेरे बारे में आपने बहुत कम बात की। तो मैंने एक मेरी तो मुलाकात है, बड़ी शानदार खातून है, आप लोग जब तशरीफ लाए देखा। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार है, अच्छी है। तो देखो जी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, कमाता आदमी है, घर औरतें बनाती है, ये उसका बहुत क्रेडिट है। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, उनका बहुत क्रेडिट है, लेकिन ये आपको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अमूमन आपके जो कोलीग्स हैं और आपके शोबे में बहुत सारे लोगों ने कई कई शादियां की, उनकी मर्जी है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, ऐसा ही है। मगर देखिए आपने एक ही घर बनाया, तो आपको भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि दुनिया में कहां कहां आप नहीं घूमे, कहां कहां नहीं घूमे, मगर चांदनी जो है वो आपने घूमने नहीं दिया। ये बात देखिए, आपने दूसरा इसलिए भी नहीं किया कि डर भी है, आप डर भी है ना, कहते जग घूमे थारे जैसा ना। वाह वाह। तो बात सुने, ये कैमरे की तरफ देख के कहते हैं कि चांदनी मैंने तुम्हारे लिए कहा है, चांदनी ये मैंने तुम्हारे लिए कहा है, और ये बात नोट कर लेना, और शाहजी के कहने पर मैं ये कह रहा हूँ और अपने दिल से कह रहा हूँ। तो मैं वो बात कर रहा था कि कुछ सीनियर ऐसे भी होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं करने के लिए, कुछ ऐसे सीनियर भी होते हैं जिनसे आप सीखते हैं कि क्या नहीं करना। नुकसान क्या नजर आया आपको उसमें? यह होता है कि आपका पीरियड कम हो जाता है, आपकी कदर कम हो जाती है, तो आप बहुत ऊंचाई से बड़ी स्पीड से गिरते हैं जब आप किसी को हक नहीं देते, जब आप अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि आप जब ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं और आपकी गर्दन अकड़ जाती है, फिर जब आप गिरते हैं ना तो आपका ध्यान आसमान की तरफ होता है, नीचे चोट बड़ी लगती है। क्या बात। तो आप जितना जमीन पर रहेंगे उतनी कम चोट लगेगी। वाह सुभान अल्लाह। ये जो जिंदगी का ये शऊर है विकी भाई, और ये जो आजजी है आपके अंदर, ये शुद्ध डे वन से थी जब वो खुशियाँ कर रहे थे, स्टेज कर रहे थे, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने ये सिखाया? नहीं जी, ये वालदा की तरफ से था। अच्छा। ये वालदा ने इतना कुछ सिखाया हुआ था कि माँ ने मतलब कभी जिंदगी में कुछ ऐसा सोचने ही नहीं दिया। 2015 में उनकी डेथ हुई है, तो 2015 में भी वो उन्होंने मुझे मारा है। तो मतलब हनी अलबेला इस चीज़ का गवाह है। हम लोग अंदर बैठे कार्ड खेल रहे तो अम्मी आई हैं ऊपर। कार्ड तो बड़े मशहूर हैं आप। बड़े मशहूर। हाँ जी। तो अम्मी आई हैं, तो अम्मी ने आगे सबको लगाने शुरू कर दिया। तो हनी कहता अम्मी मैं नहीं। उन्होंने कहा नहीं तू ही खराब कर रहे मेरे। तो अम्मी बड़ी अच्छी बात करती थी, हम ना अम्मी को कहना हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हमने अंदर बैंक खेलना, तो हमने स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो एक दिन हम बाहर निकले ना सारे, तो अम्मी कहती खेल लिया स्क्रिप्ट। तो ये विट वहां से आया था। विट अम्मी की तरफ से तो बहुत ज्यादा। तो अम्मी की तो एक एक बात बड़ी जबरदस्त। और कोई अपनी वालदा की बात? अम्मी को ब्रेन हैमरेज हो गया ना, एक एरर आ जाता था दिमाग में बात करते करते। एक बात पे ना वो मतलब बार बार वही बात करनी, ठीक है।
दोहराती रहती थी तो ना इस तरह की कैफियत हो गई थी। तो हमारी मुलाजमत थी एक शुमैला, तो अम्मी उसको आवाज़ दे के कहती शुमैला आके मेरे लता कोट, शुमैला मेरे लता कोट, बार बार कही यानी बार बार कही। अब मैं ड्रामे से वापस आया, पप्पू ऐ शुमैला मेरी लत नहीं कोट रही, तो वो कोट के चली गई। अब वो दिमाग में फंसा हुआ था, तो शुमैला आई आके ना पास बैठ के कहती है अच्छा अम्मी दस केड़ी लत कोटा, अम्मी कहती 15 नंबर कोट दे, दो लता ना कभी। तो ये जो आपने सवाल किया था पूछे बातें बताने वाला, मुझे मेरी अक्सर वाइफ कहा करती थी कि आप ये जो बता देते हैं ना अपनी पंचलाइन, ये आप खुद करें। मैं कहता हूँ कि मैंने कहा यार पता क्या मैं खुद करूँ, मुझे पता होता कि ये बात मेरे करने वाली नहीं है, ये मेरे कैरेक्टर की बात नहीं है, उस कैरेक्टर की बात है। अगर वो करेगा तो बड़ी क्लैप आएगी, मैं करूंगा छोटी आएगी, या लापरवाही है नसीम यार, या नहीं आएगा। तो मैं सबको ये बात कहता होता हूँ कि भाईजान अकेले अकेले होकर मरने से बेहतर है इकट्ठे होकर जी लो। वाह वाह। तो ये होगा कि आप मुझे मालूम, आपको मालूम, मेरी कोई अच्छी नहीं भी बात, उसको ज्यादा कर दो, उसको ज्यादा हाइप दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा, हो सकता है मैं और अच्छी बात निकाल दूं। तो ये चीज अगर समझ आ जाए ना तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। एप्रिसिएशन की बहुत कमी है। थैंक यू जी, आपने मतलब इतना अच्छा फील किया, हाँ आपकी तरफ से इस तरह की बात का आना, मेरा आपने दिल रख लिया, मेरा मान रख लिया आपने। अच्छा इतनी एप्रिसिएशन वाली बात भी नहीं थी, देखो जलसी आ गई ना। फौरन आ गई। मैं यही कह रहा हूँ देखो मेरे साथ मिल जाओ, बल्कि मेरी तरफ से दो बातें और करो, ये बहुत अच्छे हैं, आपने सही कहा है, जो उन्होंने आपको कहा है उसकी तायद करो, नहीं इतना भी नहीं कहा, और काउंटर से बिल्कुल थोड़ा सा और आगे निकल गया। मेरे मतलब मैं पाना दुकान पे बैठा, काउंटर के इसको काउंटर नहीं कहते सर, क्या कहते हैं इसको? ये फ्लैंक है, फ्लैंक। अच्छा नहीं, ये तो हमारे अपना जब टेलीविजन की जुबान में कहते हैं ना, तो बाहर जो लोग कहते हैं क्या कहते हैं, जब होटल में जाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर काउंटर लगा होता है। सर मैनू माफ कर दो, देखो जुड़े हाथ है, मैनू माफ कर दो, तो अगर मेरी बात को काउंटर ना करता मैं इसको काउंटर। ये बात नाज़िन, दिस इज नसीम विकी, दिस इज नसीम विकी। नाज़िन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो नसीम विकी से और बहुत सारी दिल की बातें करनी है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नसीम विकी साहब। विकी साहब मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा मैंने ओपनिंग में भी कहा कि एक सैले रवां हैं आप, एक चश्मा है, एक दरिया है जो बहता चला जा रहा है और पूरे जोरों शोर से बह रहा है, तो बेपनाह रफ्तार है, मगर एक कमाल ये है कि उसके अंदर क्लैरिटी है। यानी कि अगर मैं इसको और वजाहत से सवाल को आपके सामने पेश करूँ कि एक मिनट में एक आदमी अगर फर्ज कर लीजिए 50 लफ्ज बोलता है तो आप तकरीबन 80 बोलते हैं, मगर सारे क्लियर रफ्तार और क्लैरिटी। तो ये बचपन से आपके अंदर थी या आपने फिर रियाजत से हासिल किया? नहीं, रियाजत भी नहीं और ना इसको ये भी नहीं कह सकते कि बचपन से थी, ये खुदादाद सलाहियत जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अता की हुई चीज़ें होती हैं, मतलब उसी के हुक्म से आपने जुमला बोलना है और उसी के हुक्म से आपने सुनना है। सुभान अल्लाह। तो मैं जब शुरू में आया ना तो रौनक अली रौनक साहब हैं अपना म्यूजिक डायरेक्टर, तो जिन्होंने जान भी दे दो कहे तो जाने जाना उनका वो था, वो मुझे पास आते थे लाहौर थिएटर में, मुझे कहते यार विक्की भाई आपके ना बहुत ज्यादा पंचे होती हैं, आप इतनी स्पीड में बोलते 10-12 तो वैसे निकल जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा, 10-12 वैसे चले जाते हैं। सही कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक ड्रामा किया, वो ड्रामा मैंने अपने फ्लो के लिए लिखा था कि मैंने ड्रामे के अंदर ड्रामा सुनाना है, एक दफा खड़ा होके सारा। अब ड्रामा क्या था कि एक बंदा है जिसने अपने बेटे की शादी करनी अपने भाई की बेटी के साथ, ओके, अब उसने तय कर लिया, फिर उसके बाद उसको एक पैसे वाला बंदा मिल गया, तो उसने अपने भाई को इनकार करके बेटे की शादी तय कर दी है किसी और जगह पे। अब भाई ने कहा कि अगर तूने इसकी शादी कहीं और की तो मैं फायरिंग कर दूंगा शादी हाल पे। अब शादी हाल पे फायरिंग हो गई है, वहां पर अंधेरा हो गया, तो दुल्हन लेके घर है, जब दुल्हन को लेकर घर है वो दुल्हन हमारी नहीं वो किसी और की है, हमारी दुल्हन कहीं और चली गई है। अब वहां पर 4-5 शादियां तो दुल्हनें बिखर गई हैं। अब एक बंदा आया वो अपनी दुल्हन लेने के लिए, उसकी दुल्हन हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में जो आई है वो हमारी दुल्हन नहीं है, जो बंदा लेने के लिए वो कहता है जी मेरी दुल्हन दे, तो मैं कहता ठीक है अपनी ले जाओ, ये तो हमारी बहनों की तरह, आप मेरी ले जाओ अपनी।
अब पुलिस वाला आया तो पुलिस वाला आके कहता है जी कि मुझे बताएं कि मामला क्या है। मैं कहती हूँ आपको शुरू से बता दूं, असल में मैं जब छोटा था तो मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दी मेरे चाचा के घर में। चाचा जो था उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी मेरे साथ। अब हम दोनों मोहब्बत भी करते थे। जब बड़े हुए तो अब्बा जान के दिमाग में लालच आ गया। अब्बा जान ने कहा कि मैं शादी करूंगा अपने बेटे की किसी ऊंची जगह पर, क्योंकि अब्बा जान ने मेरा जो था ना वो मुंह बांट लिया। उसके बाद जब मेरी शादी करने के लिए वहाँ पर चले गए तो चाचा ने कह दिया कि अगर वहाँ पर जाकर तो शादी की तो मैं वहाँ पर फायरिंग कर दूंगा। उस चाचा ने जाकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की वहाँ पर भगदड़ मच गई, लाइट चले गई, दोनों लेके घर आने कर दी मेरा दिलों में मैंने कहा जिसके साथ मैं शादी करने के लिए गया वो वहां थी नहीं, और जिसके साथ मेरी होनी थी वो वहां हुई नहीं, और जिसको ये लेकर आई पता नहीं कौन है, ये इसकी बीवी है ये मेरी बीवी नहीं है, ये जो है ये पता नहीं किसकी बीवी है, इसका शौहर यहाँ पर आएगा उसको ये मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे इस बात का पता नहीं। एसएचओ साहब आपने फैसला करना, ये छोटा सा मामला है बस इसको सॉल्व कर दे। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप अगर वेस्ट में होते तो ऑस्कर से कम के आर्टिस्ट। जी नजफ क्या है प्रोग्राम के अगले मतलब? जी विकी साहब भूजो तो जाने। मैंने अगर भूज लिया ना तो यहां से सूझ जाना। एक तो कैमरा चल रहा है और दूसरा इसने ज्यादा चढ़ा के बात करनी है। नहीं 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 भाईजान सेगमेंट है। सेगमेंट है हाँ। अच्छा 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 उसी फौरन जाना स्ट्रेट हो जाए करो दिल में जो है वो नहीं पूछना मैं स्क्रीन पे जो है वो पूछना है। स्क्रीन पे पूछना है। अच्छा वैसे आप मैंने देखा रंगीन मिजाज नहीं है आपके बारे में, कभी कोई स्कैंडल कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई? कभी भी नहीं आई। शादी के बाद नहीं आई। कैसा पसंद है आप? देखिए जो अल्लाह ताला की चीजें बनाई खूबसूरत है वो तो मुझे बहुत पसंद होती है। बहुत पसंद होती है। बेगम साहबा के सामने सिन्फ़े मुखालिफ की तारीफ कर सकते हैं? जी मैंने एक दो दफा की भी है लेकिन फिर पूरा स्पेल काम नहीं कर सका मैं। तारीफ ही मैंने ऐसी की है उसको भी पता कि ये उसे तक जा ही नहीं सकता। नहीं इंडिया तक तो आप किसी वक्त भी जा सकते। मैंने कहा ना उन्होंने कहा मुझे करीना कपूर बड़ी पसंद है। अब उसको भी पता कि ये सिर्फ कहन की गलती करी है बाकी ना पहुंचे नहीं मुमकिन है आप आने वाले दिनों में शो कर रहे हैं और करीना उसका हिस्सा हूँ। नहीं अब तो वो भी मतलब जरीना हो गई बुढ़ापे में चली गई हमारे अंदर का भी करीनापन खत्म हो गया। यार क्या बात है।